हेलो फ्रेंड्स, प्रेमपूर्वक नमस्कार। आज हैं हम कुल्लू की वादियों में। मौसम देखिए कितना प्यारा है, सुबह के 8 बजे लगभग। और आज मैं गाड़ी क्यों दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा मन था कि गाड़ी लोग धोते हैं, बड़ा पानी वेस्ट करते हैं, और मैं सिर्फ 2 बाल्टी जो है पानी में जो है गाड़ी धो देता हूँ। और क्योंकि पानी चाहे हिमाचल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, पानी हर जगह कीमती है। तो गाड़ी चंडीगढ़ से आया हूँ तो बड़ी गंदी हो गई है। तो मैं लोगों को, बड़ा मन था मेरा कई बार दिखाऊं कि गंदी गाड़ी, गंदी से गंदी गाड़ी भी आप 2 बाल्टी में कैसे धो सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पानी बचा सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, हो गया। तो दोस्तों, आधी गाड़ी से मैंने गाड़ी जो है इसकी मिट्टी क्लीनिंग कर दी है। अब 1 बाल्टी से जो है, 1 बाल्टी से हम इसको क्लीन करेंगे पूरी तरह, ठीक है। बंद कर दो। दोस्तों, 1 बाल्टी मैंने पहले यूज़ की थी, वो भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं जानबूझ के आधी बाल्टी लेके आया हूँ। वैसे गाड़ी धोने को 1 बाल्टी में भी अगर आप कायदे से धो तो धो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो क्लीनिंग करनी है इसकी। तो दोस्तों, अभी हमने क्या करना है, सारी क्लीनिंग, पहले मैंने मिट्टी साफ की, फिर साफ पानी से जो मिट्टी के दाग थे थोड़े बहुत, वो हल्के फुल्के साफ किए। ये कपड़ा अच्छे से मैंने धो लिया है, इसको अच्छे से निचोड़ेंगे हम लोग। सनी देओल वाला जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ने के लिए। अब इसको निचोड़ लिया, जो गीलापन है इसका फिर सारा सूखेगा। उसके बाद कपड़े को सूखने डालना आपने, फिर इसको साफ करना है आपने। ये होगी आपकी गाड़ी चमचमाती, जो आप 300-400 रुपए देते हो, 500 रुपए देते हो, वो पैसे भी बचे आपके। आपकी सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज होगी बॉडी की सुबह सुबह, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पानी भी बचा। तो ये था मेरा तरीका पानी बचाने का, कि नई पीढ़ी को भी पता चल पाए कि पानी बचाना कितना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि आप पानी कई तरीके से बचा सकते हो, आप गाड़ी धोना और भी कई काम है। बंद कर दो, चेहरा दिखे आपका। हाँ, स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, गाड़ी अब एक कपड़ा और बचेगा अभी, इस कपड़े को अच्छे से धोऊंगा, सुखाऊंगा, सूखा हुआ कपड़ा इसमें मारूंगा। अगर कपड़े 2 हैं तो बहुत अच्छी बात, एक को सूखा रखो, एक को गीला। 2 बार कपड़ा मार चुका हूँ, अब 3री बार कपड़ा सूखने के बाद ये कपड़ा सूख जाएगा अच्छे से, फिर मारूंगा। अंदर से भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है मैट मोट। तो ये 1.5 बाल्टी मैक्सिमम, 1 बाल्टी वैसे लगती है, चलो आप 1.5 लगा लो, 1.5 बाल्टी से आप गाड़ी को चमचमाता कर सकते हो। देखो, मन खुश हो रहा है मेरा गाड़ी देख के, एक्सरसाइज पूरी होगी, बॉडी का हर पार्ट मूवमेंट हुआ। टोपी आप किसी दिखवाओ उसको, तो चाचा बोल रहे हैं कि टोपी सीधी कर लो अपनी। चाचा टोपी ठीक है, ठीक है, हिमाचल की टोपी। तो दोस्तों, ये था मेरा जो गाड़ी 1.5 बाल्टी में धोने का टारगेट, वो पूरा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और लोगों को भी ये शिक्षा मिल गई। दोस्तों, नई पीढ़ी को हम जो सिखाएंगे वही सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें फॉरवर्ड करनी बहुत ज़रूरी है, तजर्बे से बहुत चीज़ें मिलती हैं, तजर्बा होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।